है ना, तो ये अगेंस्ट भी आपका यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये क्या लिखा है, स्पॉट, SPOT है ये आपका, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज ओ एंड दिस इज टी, क्वेश्चन का ये एरर हो गया आपका, स्पॉट द एरर, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, स्पॉट द एरर आपका हो गया, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको एरर देखना है। चलो क्या लिखा है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ विच। चलो इसका तो दोस्तों एक रूल है, ये रूल आप याद रख लो, है ना, बहुत ईजी है। कभी भी ये आपका वन ऑफ आया, है ना, वन ऑफ आया या आपका सम आया या एनी आया, ठीक है, कभी भी एनी सम वन इस तरह का कुछ आता है, या फिर आपका मैनी आया, ठीक है, तो या अ नंबर ऑफ आया, अ नंबर ऑफ आया, ठीक है, तो इस तरीके का जो है टाइप्स ऑफ आया, ठीक है, ये टी वाई पी ई एस, टाइप्स ऑफ आया, सॉर्ट ऑफ आया, कभी भी इनके सबके बाद जो है आपका ऑफ आया, क्या आया आपका ऑफ आया, तो उसके बाद हमेशा हमारा जो नाउन है वो कैसा होने वाला है दोस्तों, वो आपका हमेशा प्लूरल नाउन होने वाला है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्लूरल नाउन होने वाला है, मतलब ये देखो वन, ये ऑफ, ये माय बेस्ट फ्रेंड, तो ये यहाँ पे एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा एस, बस और कोई एरर नहीं, तो ये क्या हो गया वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एस नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग, इधर वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मतलब ये आपका रॉन्ग। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, इज अ विच, वो कौन है, एक मेरा जो दोस्त है वो विच है, ठीक है, तो उसमें कोई विच में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग है, और इसमें क्वेश्चन में ही थोड़ी सी एरर वाला काम हो गया, क्वेश्चन में आपका जो है आंसर यहाँ पे एरर हो गया, इसको हम कर देते हैं, ये सही हमारा आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन का एरर हो गया, तो ये आपका जो है दोस्तों ये राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो टेंथ क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में ये चेंज करना, ये आपका एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन सेंटेंस है। ठीक है, किसका सेंटेंस है आपका, ये एक्टिव वॉइस का। अब आप देखो क्वेश्चन वाला है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला है ये, तो when will you return the book। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे आपका इंट्रोगेटिव है सपोज, है ना, ये आपका एक्टिव और ये आपका जो है पैसिव। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो शुरुआत हो रही है आपकी पैसिव में, शुरुआत हो रही है, अच्छा इंटू पैसिव में करना है, सॉरी ये आपका एक्टिव में है, है ना, हाँ एक्टिव में है ये आपका, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको, देखो शुरुआत किससे हो रही है, डब्ल्यू एच वर्ड और उसके बाद जो है विल से शुरुआत हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग हो रही है, आपका डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, उसके बाद आपका विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, तो उसको पैसिव में जब करोगे तो ये डब्ल्यू एच तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है ना, डब्ल्यू एच आपको रखना है, ठीक है, डब्ल्यू एच आपको रखना है और उसके साथ विल आपका आएगा। ठीक है, उसके साथ विल आएगा, है ना, उसके बाद जो है आपका क्या आने वाला है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आने वाला है, उसके बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब या कोई ऑक्सिलरी वर्ब आने वाला है, खास करके विल के केस में जब हम विल की बात करें तो क्या आने वाला है, बी आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, बी हम लोग लगाने वाले हैं, और उसके बाद जो है आपका क्या आने वाला है, सब्जेक्ट, या पहले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट आएगा तो वो ऐसे बाय करके फिर आपका कोई सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वैन, ठीक है ना, फिर हमारा हो जाएगा विल, और उसके बाद वैन विल, फिर आपका सीधा सीधा उठाओ क्या, ये
आपका ऑब्जेक्ट उठाओ, व्हेन विल द बुक, ठीक है ना, द बुक, उसके बाद फिर क्या आएगा, बी आएगा, बी, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न्ड, ठीक है। और ये जो बाय यू है ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, ये अंडरस्टूड है, बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, अगर आप किसी को सामने वाले को बोलोगे, उसके साथ वो आपके सामने ही खड़ा है, आप उसको इतना ही बोल सकते हो ना कि भैया मेरे भी नहीं बोलोगे, आप उसको इतना बोल सकते हो कि बुक कब रिटर्न करोगे, है ना। उसको ये थोड़ी बोलोगे कि आप मेरी बुक कब रिटर्न करोगे, मतलब आप जो शब्द है वो तो समझ रहे हैं, वो तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वो आपके सामने ही खड़ा है ना। तो व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, इतना आपका करेक्ट है। कहाँ गया हमारा, द बुक नहीं होगा, है ना, व्हेन से ही शुरू करेंगे, व्हेन विल, ये आपका मिसिंग है, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, ये नहीं होगा, ये आपका राइट हो गया, व्हेन विल द बुक बी, और ये आपका रिटर्न, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ एक्टिव पैसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट री राइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव। अब ये हमारा एक्टिव में हमको इसको कन्वर्ट करना है, ये आपका पैसिव का सेंटेंस है, किसका है, पैसिव का सेंटेंस है। देखो क्या लिखा है, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब देखो अगर ये आपका पैसिव का है, मतलब एक्टिव में देखो यहाँ पे आपका, अगर मैं इसको पूरा देखूं तो पैसिव का है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका है ना, ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में अपने को करना है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, अगर सब्जेक्ट होता तो कैसा होता, बाय और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आ जाता, लेकिन जहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है, मतलब यू, किसकी बात हो रही है, यू की, यू यू, अगर यू नहीं है तो कोई दूसरा है, मतलब सब्जेक्ट कोई भी अननोन व्यक्ति है। इसका थोड़ा देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, ये देखो आप, ये आपका एक्टिव हो गया और ये आपका जो है पैसिव हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा, ये फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, या हेल्पिंग वर्ब ले लो, आपका ऑब्जेक्ट प्लस ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, तो उस कंडीशन में आपका जो है प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अननोन है आपका, सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, मतलब कोई भी एक दूसरा वर्ड आएगा, है ना। एक बात तो समझ में आ रही है कि माई पॉकेट से स्टार्टिंग नहीं करेगा, देखो समवन 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 से स्टार्ट हो रही, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर यहाँ हमने लिखा हैज बीन, याद रखना, अगर इधर आया हैज बीन तो इधर आ जाएगा हैस, ये याद रखना है। ये देखो हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इधर हो जाएगा हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना आपको याद रखना है। हैज बीन कभी भी आया, ये कॉम्बिनेशन कभी भी आया, तो इधर भी ये कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस हैस आ जाएगा। तो देखो समवन, ये हो गया देखो समवन, समवन के बाद हैस के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ तक तो पक्का है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई पॉकेट, तो देखो समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, ये देखो समवन, ये हो गया हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, समवन हैज पॉकेटेड, ये तो शब्द ही बदल दिया, शब्द बदलने की जरूरत नहीं है। समवन हैज ये पिक पॉकेटेड, ये कुछ और ही हो गया, जेब कतर ना होता है, पिक पॉकेट, ये तो अपनी मर्जी से लगा दिया, पिक्ड पॉकेटेड ये भी लगा दिया, तो इसकी जरूरत नहीं, ए वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। देखो नेक्स्ट देखो, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, टेंस हमको देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, बाय द टाइम दे, बाय द टाइम मतलब जब तक, है ना, जब तक कि जिस समय तक, दे डैश द स्टेशन द ट्रेन, ओके दे डैश द स्टेशन द ट्रेन, अच्छा यहाँ पर एक ब्लैंक हमने बनाया नहीं, ब्लैंक मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ब्लैंक है, ठीक है ना। अब आप लोग मुझे बताओ क्या होने वाला है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो बाय द टाइम दे डैश द स्टेशन द ट्रेन डैश, कि
जब तक कि वो वहाँ पे पहुँचे होंगे, स्टेशन पे पहुँचने की बात हो रही ना, वो ट्रेन क्या हो गई होगी, ट्रेन छूट गई होगी, है ना। तो बाय द टाइम दे डैश द स्टेशन द ट्रेन, तो देखो ये द ट्रेन डैश, तो ये सीधी सी बात है कि जब तक कि वो वहाँ पे पहुँचे होंगे ट्रेन चले गई होगी, छूट गई होगी, मतलब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन, पहला क्या है, दोनों पास्ट टेंस में आना है। देखो पास्ट टेंस में आना है तो दूसरा जो पास्ट टेंस है, मान लो दो दो पास्ट टेंस में है तो एक पास्ट होता है तो दूसरा पास्ट का परफेक्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है भाई। एक चीज़ तो पता है, अगर मीनिंग थोड़ा सा देखोगे, बाय द टाइम दे डैश द स्टेशन, मतलब जब तक कि वो स्टेशन पर पहुँचते ट्रेन जो है वो छूट चुकी थी, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब ये आपका जो है, ये आपका पास्ट टेंस में आने वाला है ना, ये आपका किस में आने वाला है, पास्ट टेंस में। और ये जो वर्ड है, ये आपका यहाँ का जो ब्लैंक है, ये आपका पास्ट के परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्तों, पास्ट के परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया पास्ट टेंस रीच्ड, ये हो सकता है, और हैड लेफ्ट, लेफ्ट जो है तो लीव लेफ्ट, लेफ्ट ये V3 होता है। परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ये हो गया आपका हैड, और ये आपका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका राइट है ना, ये रीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये नहीं होगा, ठीक है। इधर हैड रीच तो ठीक है, बाय द टाइम दे हैड रीच ऐसा नहीं होगा, है ना, कि ये वाला नहीं, फर्स्ट वाला, है ना, फर्स्ट टाइम, पहला फर्स्ट एक्शन होगा। बाय द टाइम दे हैड रीच नहीं होगा, बाय द टाइम दे हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन, सेकेंड वाला एक्शन जो है आपका हैड लेफ्ट होगा, दे हैड द ट्रेन हैड लेफ्ट, बाय द टाइम दे हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया, ये भी आपका हैड, दो बार हैड हैड नहीं होने वाला है। चलिए तो फर्स्ट वाला, बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें भी टेंस देखना है, देखो दीज ग्रैप्स डैश सोर, ये आपका देखो क्या है, सबसे पहले दीज ग्रैप्स, मतलब ये जो ग्रैप्स है, मतलब ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लूरल वर्ब होगा तो शुरुआत जो है ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ये वॉज भी जो है पास्ट टेंस में आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इधर आप देखो तो ये जो है टेस्ट अकेला, ये आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है, ये क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है। और ये टेस्टेस, ये आपका जो है सिंगुलर वर्ब है, तो आपका ये राइट हो जाएगा, टेस्ट सोर, दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, ठीक है, क्लियर है। ये आपका जो वर्ड एज इट इज होता है ना वर्ब, वो बिना किसी एस वगैरह के वो अपने आप में प्लूरल होता है, ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए 14 देखो, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कम्प्लीट द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमको लगाना है, देखो डैश योर रिक्वेस्ट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, डैश योर रिक्वेस्ट, ठीक है, डैश योर रिक्वेस्ट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, हम रिग्रेट मतलब हमको ये कहने में खेद है, या हम कि हमको आपको बताते हुए ये खेद है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो ये बेसिकली किसी को ईमेल लिखते हैं ना हम लोग, एकदम रिक्वेस्ट वाला व्यवहारिक ईमेल लिखते हैं किसी को रिजेक्ट करने के लिए, मना करने के लिए, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये आपको याद रखना है, है ना, देखो ये आपको याद रखना है कि ये विथ रिगार्ड टू होता है, ठीक है, देखो विथ रिगार्ड्स नहीं होता है, ये एस जो है नहीं लगता, ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, विथ रिगार्ड टू मतलब आपके रिक्वेस्ट के अनुसार, है ना, जैसा कि आपने बताया था विथ रिगार्ड टू, तो विथ रिगार्ड टू का मतलब होता है के अनुसार बोल सकते हो आप, है ना, के मुताबिक आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो बाय रिगार्ड टू जो है, बाय रिगार्ड टू नहीं होता है, वैसे ही आपका ये भी नहीं होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। राइट जो हमारा है वो ए वाला राइट है, विथ रिगार्ड टू, बिना एस वाला, ठीक है, याद रखना है, विदाउट एस जो है यहाँ पे आपको एस भी नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डिटरमाइनर इसमें हमको चूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब जॉन क्या किया, वो स्कूल से आया, रिटर्न मतलब वापस आया, डैश डिड ही नो दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी एट होम। जैसे ही वो स्कूल से आया, डैश डिड इज, उसको बहुत ही कम पता होगा, उसको नहीं पता होगा किया, क्या नहीं पता होगा कि वाह देयर वॉज अ बर्थडे, है ना, नो दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी एट होम, की होम घर पर जो है एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी उसके लिए रखी गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं तो क्या लिखा है, व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम होम, जब वो घर से आया, तो एक है हमारा लिटिल, दूसरा है अ लिटिल। ठीक है, अ लिटिल देख लेते हैं, अ लिटिल दूसरा लिटिल, तो चलिए इसमें देखो तीन होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका केवल लिटिल, दूसरा आपका होता है अ लिटिल, ठीक है, और तीसरा जो है आपका वो होता है द लिटिल। इन तीनों में कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताऊं, देखो लिटिल का मतलब होता है लिटिल जो है आई है, देखो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, क्या मतलब होता है थोड़ा सा, ना के बराबर, थोड़ा सा, ठीक है, किसके बराबर, ना के बराबर, थोड़ा सा ना के बराबर, मतलब ये आपका जो है ना दोस्तों, ये आपका नेगेटिव सेंस का है, जब आपको क्या करना हो, मना करना हो, आपको किसी चीज को बिल्कुल एकदम मना कर देना हो, है ना, तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, लिटिल करते हैं। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, कुछ, है ना, एक पॉजिटिव सेंस में कि हमारे पास कुछ तो है, जैसे आई हैव लिटिल, अ लिटिल टाइम फॉर यू, देर इज अ लिटिल टाइम फॉर यू, है ना, देर इज अ लिटिल वाटर, कि कुछ तो है उसमें, मतलब एक पॉजिटिव सेंस के लिए, कौन से सेंस के लिए, पॉजिटिव सेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और द लिटिल जो है, मतलब उसका मतलब होता है उतना ही, उतना ही, है ना, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, बस उतना ही, कि आई हैव द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर, जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि द लिटिल वाटर आई हैड वॉस ड्राइड, डी आर आई ई डी, जो पानी, जो थोड़ा सा पानी, देखो जो थोड़ा सा पानी मेरे पास था वो क्या हो गया, वो सूख गया, है ना, ड्राई हो गया, वो जो थोड़ा सा पानी कहीं रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, वो क्या हो गया, अपने आप ड्राई हो गया, सूख गया, तो क्या मतलब निकल रहा है, जो थोड़ा सा, मतलब बस उतना ही, उतनी ही क्वालिटी के लिए अपन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिटिल का बोलूँ तो जैसे ये आए, या इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि देयर इज लिटिल वॉटर इन माई बॉटल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि मेरी जो बॉटल में क्या है, थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी है, मतलब ना के बराबर पानी है, कैसा पानी है, नहीं है, ना के बराबर, ना के बराबर, जब आपको मना करना हो कि नो देयर इज लिटिल वाटर इन माय बॉटल, तो आप क्या बोल सकते हो, केवल लिटिल। फिर अगर आपको बोलना, देखो जैसे ये आई हैव अ लिटिल वॉटर फॉर यू, मतलब एक उसको उम्मीद जता रहे हो कि रुको रुको मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा पानी है, पॉजिटिव सेंस में हम लोग बोल रहे हैं, जब पॉजिटिव सेंस में बता रहे हो, उसको एक उम्मीद जता रहे हो, तो उस केस में आप क्या लगाने वाले हो, उस केस में आप
अ लिटिल लगाने वाले हो, है ना। अ लिटिल कब, जब एक पॉजिटिव सेंस में बोलने वाले हो। केवल लिटिल कब, जब आप उसको नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो, ठीक है। और द लिटिल कब, जब आप बता रहे हो कि बस उतना ही, ठीक है, ओनली दैट मच, बस उतना ही, उस तरीके से बोल रहे हो, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल डैश डिड ही नो, उसको बिल्कुल क्या था, उसको नहीं पता था, लिटिल डिड ही नो, उसको है ना नहीं पता था, यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है, नहीं पता था, लिटिल डिड है, उसको मालूम थोड़ी था, ऐसे ही बोल रहे हैं, लिटिल डिड ही नो दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे आपका लिटिल जो है केवल लिटिल सही हो जाएगा, अ लिटिल नहीं होगा, ठीक है, अ लिटिल नहीं होगा। मच डिड, मच तो आपका जो है वो नहीं होगा, अनकाउंटेबल के लिए है, मच जो आपका है वो अनकाउंटेबल के लिए है। और लेस भी जो है यहाँ पे, लेस का मतलब है कम, तो कम के सेंस में यहाँ पे ये नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, इसमें हमको प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ से, द क्रिकेट प्लेयर डैश टाइम्ड, तो टाइम्ड का हमको उसके अंदर प्रीफिक्स लगाना है। टाइम्ड हिटिंग द बॉल, इट फ्ल्यू ओवर हिज हेड, इट फ्ल्यू ओवर हिज बेड, नहीं ओवर हिज, आपका क्या हो जाएगा ये हेड, ठीक है, ओवर हिज, एच ई ए डी, हेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इट फ्ल्यू ओवर हिज हेड एंड रीच्ड द बाउंड्री रोप्स, उसके सिर पे से वो गुजरा और क्या हुआ कि बाउंड्री पर पहुंच गया। तो यहाँ पे टाइम का क्या हो जाता है, मिस टाइम हो जाता है, ठीक है, अन टाइम नहीं होगा, डिस टाइम नहीं होगा और मैल टाइम नहीं होगा, ये आपका करेक्ट है दोस्तों, ईजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इंटू वन यूजिंग एडवर्ब, तो इसका जो है एक एडवर्ब से हमको ये दो सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस हमको बनाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द लाइट वेंट आउट, लाइट जो है, बिजली जो है वो चले गई, ठीक है, बिजली चले गई। फिर क्या है, मीटिंग हैड नॉट एंडेड, मीटिंग जो है वो चलती रही, मीटिंग एंड नहीं हुई, ठीक है। तो मतलब लाइट चले गई लेकिन मीटिंग जो है वो चलती रही। तो पहले में हम देख लेते हैं, देखो बिफोर द मीटिंग एंडेड, मतलब सुनना, देखना जरा, बिफोर द मीटिंग एंडेड, मीटिंग के ख़त्म होने से पहले, द लाइट वर गोइंग आउट, द लाइट वर गोइंग आउट, पहली बात तो लाइट जो है वो क्या है, बाहर जा रही, वर गोइंग आउट, तो मीटिंग एंड होने के पहले जो है लाइट गोइंग आउट, मतलब वो लाइट जो है वो कंटिन्यूटी में है, प्रोग्रेस में है, लाइट चलती जा रही है, लाइट बाहर जा रही है, तो ये तो कुछ तो भी है ना, लाइट गोइंग आउट तो होगा नहीं, ये आपका रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा देखो, द लाइट्स वर गोइंग आउट, लाइट्स जो है वो बाहर जा रही है, अब ऐसा लग रहा है जैसे लाइट जो है वो कहीं घूमने जा रही है, चाय नाश्ता करने जा रही है, तो ऐसा तो कुछ सेंस में आ नहीं रहा है, ठीक है। वेंट आउट होता तो हम मान के चलते हैं, ठीक है। आगे देखो, द लाइट्स वेंट आउट, आ गया एट द एंड ऑफ मीटिंग, मतलब क्या हुआ कि जब मीटिंग का अंत हुआ, मीटिंग का एंड हुआ, तब लाइट चले गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट वेंट आउट लेकिन मीटिंग एंड नहीं हुई, इसका क्या मतलब है, मीनिंगफुली गलत है ये भाई, मीटिंग का एंड थोड़ी हुआ, जब जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, चलो उन्होंने बोला बॉस में कि चलिए आज की मीटिंग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और तुरंत लाइट चले गई, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि लाइट पहले चले गई लेकिन मीटिंग जो है वो चलती रही, बॉस ने क्या बोला, नहीं बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लाइट गई तो गई, हम लोग अंधेरे में भी बात कर सकते हैं, आफ्टर ऑल आप सब लोग मुझे सुन सकते हो, तो ये मीनिंग आपका गलत हो गया। मतलब ये डी देख लेते हैं, द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चले गई बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग, एंड मीटिंग एंड नहीं हुआ, उससे पहले ही लाइट चली गई, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, लाइट गई है लेकिन किससे पहले गई है, मीटिंग की एंड से पहले गई है, मतलब डी वाला आपका जो है सही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको पूरा समझना पड़ेगा, उसका जो मीनिंग है पूरा हिंदी में उसको समझो आप। चलिए नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन अग्रीमेंट विद दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, कई बार मैंने बताया भाई आपका अगर ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका कैसा होना चाहिए, प्लूरल वर्ब भी आपका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब आपका होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं
क्या लिखा हुआ है, एवरी ईयर इन आर स्कूल, हर साल हमारे स्कूल में क्या, द चिल्ड्रन हु, ध्यान देना द चिल्ड्रन हु। दोस्तों ये आप देखो यहाँ पर एक तो आपका आ गया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है आपका प्लूरल नाउन, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका हु, हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, प्लूरल नाउन के हिसाब से आएगा। और इसके बाद क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है, है ना। वर्ब क्या आने वाला है, ध्यान देना, क्योंकि ये चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी जो है ना वो आपका प्लूरल होने वाला है, ठीक है। तो वर्ब प्लूरल होने वाला है, तो देख लेते हैं, तो वर्ब प्लूरल, हाँ ये वर्ब प्लूरल है आपका, ये वर्ब जो है विल परफॉर्म एवरी ईयर इन आवर स्कूल, द चिल्ड्रन हु विल परफॉर्म वेल, हु विल परफॉर्म वेल इन द फाइनल एग्जाम्स, अच्छा हु विल परफॉर्म वेल। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात चलो मान लेते हैं, फ्यूचर भी हो सकता है ना। एक और क्या चीज़, तो हु परफॉर्म्स वेल, ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये आपका क्या है सिंगुलर वर्ब है, इसको कट कर दो, ये तो आपका नहीं होने वाला है, है ना। ये हो सकता है, ये आपका हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। तो देखो क्या है, वर परफॉर्म्ड, तो ये तो पैसिव वॉइस का हो गया। देख लेते हैं, एवरी ईयर इन आवर स्कूल, हर साल हमारे स्कूल में चिल्ड्रन हु वर परफॉर्म्ड, हु वर परफॉर्म्ड क्यों होगा, हु वर परफॉर्म्ड वेल, हु वर परफॉर्मिंग होना चाहिए था ना, ये वर है तो यहाँ पे आईएनजी होना चाहिए था, है ना। परफॉर्म्ड वेल इन द फाइनल एग्जाम, तो ये आपका रॉन्ग आपका फॉर्मेशन है, ए वाला आपका गलत हो गया। फिर क्या है, ये विल का देख लेते हैं, एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु विल परफॉर्म, हु विल परफॉर्म, देखो इसका क्या मतलब है, हर साल जो बच्चे जो हमारे स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, हु विल परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, ठीक है, आर अवार्डेड, अच्छा हु विल परफॉर्म आर अवार्डेड प्राइज ड्यू टू ड्यूरिंग द एनुअल, मतलब जो अच्छा परफॉर्म करेंगे ना हर साल फाइनल में, उनको क्या किया जाएगा, उनको एनुअल में प्राइज दिया जाएगा। तो यहाँ भी विल आना था, फिर भाई दूसरे वाले में भी फ्यूचर आना था ना, पहली बात। दूसरी बात आप ये देखो कि यहाँ क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है। आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊँ, एक ट्रिक बताऊँ, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी ईयर, ठीक है भाई, एवरी ईयर लिखा है, मतलब ये आपका जो है ये कंटिन्यूटी की बात हो रही है, हर साल कोई चीज, है ना, कंटिन्यूटी की बात हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, अगले साल ऐसा नहीं होगा, मतलब फ्यूचर पास्ट और यहाँ पे प्रेजेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। जब भी आपके सेंटेंस में पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट की बात नहीं हो, एक एक रोटेशन की बात हो, जो बार बार रिपीटेशन की बात हो, उस कंडीशन में हमेशा आपका सिंपल सेंटेंस आता है, या फिर हमारा इनडेफिनेट के आपका वाक्य आता है। क्या आता है, इनडेफिनेट के आपके सेंटेंस आते हैं, मतलब आपका सीधा सब्जेक्ट उठाओ, उसके बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दो और ऑब्जेक्ट लिख दो, बस ये याद रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब आना ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं आना है, ठीक है। मतलब हमारा ये भी रॉन्ग हो गया, डी वाला हमारा करेक्ट है दोस्तों, देखो है ना, एवरी ईयर क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे परफॉर्म आ गया, और यहाँ पे वेल इन द फाइनल एग्जाम्स आर अवार्डेड, तो आर भी इन्हीं बच्चों के लिए होगा, है ना, आर ये भी प्लूरल नाउन ही होगा, प्लूरल वर्ब भी होगा, आर अवार्डेड प्राइजेस ड्यूरिंग द एनुअल डे, ठीक है। तो डी वाला हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखो माई मदर डैश फ्रॉम सर्विस 3 ईयर्स अगो, दोस्तों ये हमको पता चल गया, क्या टाइम पता चल गया, 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले, 3 ईयर्स अगो, तो मतलब ये 3 साल पहले की बात हो रही है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट टेंस की। तो मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे वर्ब का पास्ट टेंस आने वाला है, एक तो वर्ब आने वाला है और किस सेंस में, पास्ट का वर्ब आने वाला है बस। तो देख लो क्या लिखा है, रिटायरिंग, ये आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है, ये ईडी हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आने वाला है, ये आपका ये हो गया रिटायर्ड, रिटायर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम आ गया आपका, रिटायर्ड भी नहीं होगा, क्या 3 ईयर्स अगो हो गया ना, इसलिए माय मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 3 ईयर्स अगो, हमारा बी वाला राइट हो गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पेपर का देख लेते हैं, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल का क्वेश्चन। देखो आर्टिकल के 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके, टेंस के 2 आते हैं, एक्टिव पैसिव के 2 आते हैं, देख लो। तो क्या लिखा हुआ है, देखो द इन्वायरमेंट ऑफ, ठीक है, इन्वायरमेंट ऑफ डैश अर्थ, अर्थ है,
इज डैश ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, कि ये जो वातावरण है, ये जो मौसम है या वातावरण है किसका, धरती का, वो क्या है, एक बहुत बड़ा, एक ग्रेट ब्लेसिंग है हमारे लिए, एक तरह से आशीर्वाद की तरह है, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग के समान है। चलिए देख लेते हैं, तो ई लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉवेल साउंड है ना, वॉवेल साउंड है, मतलब आपका या तो एन आने वाला है या फिर हमारा द आने वाला है, ठीक है ना। वैसे ये हमारा ग्रेट जी लिखा हुआ है, या तो अ आएगा या यहाँ पर द आने वाला है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं शुरू में एन कहाँ है, ये आपका एन हो गया, यहाँ पे द आपका ए नहीं आएगा तो ये आपका क्रॉस आउट हो गया, ठीक है ना। दूसरे में हम देख लेते हैं ए आएगा या फिर द आएगा, एन नहीं आएगा सेकेंड में, तो चलो ये तो बराबर है। अब देख लेते हैं द इन्वायरमेंट ऑफ एन अर्थ इज द ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, द इन्वायरमेंट ऑफ एन अर्थ, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है ना, द अर्थ तो नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अर्थ तो कॉमन ही है, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट ऑफ एन अर्थ इज द ग्रेट ब्लेसिंग, एक ग्रेट ब्लेसिंग है, मतलब ये हमारा दोस्तों फर्स्ट वाला राइट है, इन्वायरमेंट दो ऑफ द अर्थ इज द अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है, अर्थ जो है एक ही अर्थ होता है भाई, एक ही अर्थ है तो उसको स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो ए वाला हमारा राइट है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने ये पेपर फिनिश किया। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से नए पेपर के सॉल्यूशंस के साथ।